हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी गाड़ी में जो विंड स्क्रीन है उससे जितनी धूप आती है उससे कैसे बचा जाए, या अपनी गाड़ी का जो टेम्परेचर है उसको ठंडा कैसे रखा जाए अगर आपके पास आज की डेट पे कवर्ड कार पार्किंग नहीं है, या फिर अगर आप कहीं जैसे बाहर जा रहे हैं, आपने गाड़ी पार्क करी और मे बी 15 मिनट, बहुत सारे ऐसे शहर है सिर्फ 15 मिनट के लिए आप गाड़ी ऐसे छोड़ दीजिए, आप वापस आएंगे गाड़ी में से एकदम आग निकलती रहती है, इतनी गर्म हो जाती है गाड़ी, तो उसके लिए क्या किया जाए। मार्केट में आज की डेट पे आते हैं यूवी प्रोटेक्टेड विंड स्क्रीन के सनशेड्स, वही मेरी गाड़ी में आज लगा हुआ है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे जितना भी लाइट आ रही है वो, क्योंकि अभी मेरे सनशेड्स लगे हुए हैं। अब मैं एक बार सनशेड हटाता हूं और फर्क देखिए कितना फर्क आता है धूप से। और ये अभी मैंने सनशेड्स नीचे कर दिए हैं, तो देखिए कितना फर्क आ गया है अभी में और जब ये सनशेड्स लगे हुए हैं। तो मैं इसको वापस लगाता हूं और आप फर्क देख सकते हैं, सनशेड्स मेरे लग गए हैं। And we are back to normal. So, देखते हैं क्या प्रोडक्ट है एंड कितना आसान है इसको लगाना, कितना आसान है हटाना, क्योंकि हमें लगता है कि चलो 15 मिनट का काम है, इतनी टाइम कौन वेस्ट करे कि उसको पहले लगाया जाए फिर हटा दिया जाए। तो देखिए कितनी जल्दी ये लग सकता है, हटा सकते हैं। लेकिन एक बात है, गाड़ी में आपका जो टेम्परेचर है वो जरूर बहुत ही बेहतर रहेगा अगर आप इसको लगातार यूज करेंगे। आई कैन टोटली फील इट कि अभी जब ये सनशेड लगे हुए हैं तो बाहर जितनी गर्मी आ रही थी और अभी जब ये लगे हुए हैं उसमें बहुत फर्क है। तो आइए देखती है। ये वो सनशेड्स जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आप देख सकते हैं तो ये ऐसे एक सर्कुलर या गोल रिंग के शेप में होती है और इसके दो साइड्स होते हैं, एक साइड ये सिल्वरिश एंड एक साइड ब्लैक, ये दो रिंग में आता है। काफी बड़ा है जो आपकी पूरी विंड स्क्रीन को कवर करेगा। मैंने ये अमेजोन से लिया है, ब्रांड इसका अमेजोन बेसिक्स है जैसे आप देख सकते हैं। और भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे दूसरे ब्रांड में, बट मुझे इसकी क्वालिटी बेहतर लगी और प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, कुछ 70-80 रुपये का प्राइस डिफरेंस था, इसलिए मैंने अमेजोन बेसिक्स लिया क्योंकि क्वालिटी बेटर लगी। साइज की बात करते हैं, अगर आपके पास हैचबैक है तो मोर और लेस हैचबैक में आपको मीडियम साइज में बढ़िया काम हो जाएगा। अगर आपके पास सब 4 मीटर या मिनी एसयूवीज हैं उसमें आप लार्ज साइज जरूर लीजिए, और अगर आपके पास प्रॉपर एसयूवीज हैं तो उसमें आपको लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज ही लेना पड़ेगा। मैंने पहले मीडियम साइज लिया था, मेरे पास टाटा नेक्सॉन है, पहले मैंने मीडियम साइज लिया लेकिन वो फिट नहीं हुआ, मतलब आप ये मान लीजिए वो इस नीचे पोर्शन पर यहाँ पर फिट नहीं होता था, पूरा कवर नहीं होता था, इसलिए मैंने लार्ज साइज मंगाया। तो चलिए इसको फटाफट इंस्टॉल करके देखते हैं कितना आसान है इसको लगाना। आपको करना क्या है, आप अपनी विंडशील्ड लीजिए, ये जो सिल्वर साइड मैंने दिखाई थी उसको आपको धूप की तरफ या शीशे की तरफ रखना है और एक बार आप उसको गाड़ी के बोर्ड पर ऐसे बिछा लीजिए। उसके बाद जो आपका ये मिरर है, क्योंकि इसमें एक बीच में ये स्पेस रहती है जैसे ये देख सकते हैं, इसको आप अपने ये जो मिरर है इसके पीछे अटका सकते हैं कुछ इस तरह। एंड जो आपके गाड़ी के इनबिल्ट सनशेड्स है इसके पीछे आप अपने सनशेड्स को फंसा सकते हैं। तो ये लीजिए इधर साइड का, एक साइड से यहाँ पर और उसी तरह दूसरी साइड कुछ इस तरह। अगर आप देखें गाड़ी का सनशेड प्रॉपर लग चुका है। अगर आप अब गाड़ी में देखेंगे काफी फर्क है, धूप गाड़ी में इतनी नहीं है और देखिए ऐसा कुछ कवर होता है। अगर मैं इनको हटाता हूँ तो देखिए कितना फर्क आता है गाड़ी में। हटाने का तरीका बहुत आसान, खींच लीजिए और फोल्ड करके रख दीजिए। तो ये बाहर कुछ ऐसे आपको दिखेगा,
पूरा विंडस्क्रीन कवर है, धूप बहुत मुश्किल ही है कि अंदर जाएगी और आपकी गाड़ी का टेम्परेचर अंदर से काफ़ी बेटर रखेगी, ठंडा रखेगी। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।